जाति आधारित जनगणना को लेकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री पूरे डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात किया। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर। एक महत्वपूर्ण बैठक आपने की है, इस बैठक के मायने क्या लगाए जाएं और इसका किस तरीके से आप लोग देख रहे हो आगे पायलट? इसका सबसे पहला अर्थ तो है कि आप समझ लीजिए कि बिहार की कितनी बड़ी भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में। अब बापू भी कहाँ से शुरू किए थे, तो बिहार के महत्व को तो सबको मालूम है। और उस बिहार में आप सोच लीजिए कि सभी जाति के लोग, सभी दल के लोग एकजुट होकर के इस बात को कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो इससे बड़ी बात आपको क्या मिलेगा। और ये दो बार 2019 में विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित हुआ सर्वसम्मति से, और एक बार 2020 में भी, और दोनों फरवरी महीने में तो पारित हुआ, भेजा गया। और अभी जो एक बात आ गई कि अभी नहीं संभव है, तभी सभी दल के लोग, सबसे पहले अब विपक्ष के लोग आकर के मिले, कहे कि भाई मिलना चाहिए, बाकी दल के लोगों से भी बातचीत कर लिया हम लोगों ने, सब एक राय के थे, और तभी समय मांगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दे दिया और आज सबकी बात सुन लिए। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके का आश्वासन दिया गया? आप लोगों ने अपनी बातें रखी, सभी दलों ने अपनी बातें रखी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से कदम बढ़ाएं? नहीं, देखिए हम लोगों का फर्ज था कि आ करके हम लोग बात अपनी प्रधानमंत्री जी को कह दें, और उन्होंने बहुत ध्यान से सबकी बात को सुन लिया। निर्णय तो वो लेंगे ना, आज कोई मिलने आया तुरंत कोई आश्वासन दे सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में तो गंभीरतापूर्वक देखेंगे, विचार करेंगे, और जो उनको उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोगों ने तो पूरी बात रख दी है और पूरे तौर पर रख दिया है, एक एक चीज़ को रख दिया है, जितने फिगर्स हो सकते हैं वो सब भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर दी है। तो हम लोगों को भरोसा है कि जब हम लोगों की बात सुने हैं तो इस पर गौर करेंगे। लेकिन सरकार, पुनः कहूँगा कि निर्णय लेना तो उनका अधिकार है जी, लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य था कि हम लोग अपनी बात को रखें। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार ने लोकसभा में लिखित जानकारी में कहा कि SC ST का तो जाति आधार पर जनगणना हो रही, लेकिन दूसरी जातियों के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं, अभी ऐसे कोई संभावना नहीं बताई जा रही। ऐसे में सरकार का रुख तो दिखाई पड़ रहा है साफ। नहीं, यही तो बात थी, इसी के चलते तो हम लोग आए, सिर्फ SC ST का करते हैं, लेकिन सबका कर लेंगे अगर एक बार तो उसका फ़ायदा होगा ना, सबको एडवांटेज होगा, सभी लोगों को फायदा होगा। और आज आपको बता दें, हम बार बार कह रहे हैं कि जो 10 लोग आए, 10 पार्टियों के लोग आए, जरा देख लीजिए हर लोग हैं उसमें, तो हर कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, सब एक राय के हैं, एक बार हो जाना चाहिए और ये फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी तरफ से बहुत दबाव था, इस वजह से चीफ मिनिस्टर और तो यहाँ पर पहुंचे। दबाव की बात तो है ही नहीं, सब तो एक विचार के हैं, शुरू से एक विचार के हैं, और वो हमसे आकर के मिले, सबसे बातचीत किया, समय मांगे, कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं है, सबका फीलिंग एक है इस मामले में। और आपको हम अपने बारे में क्या बताएंगे, तो बहुत बार जानते होंगे जी, 90 से हम इस बात को जाने हैं जी, तो 90 से ही हम इस बात को कह रहे हैं। जब हम यहाँ केंद्र में थे तो उसमें शुरू हो गया था, चूँकि तो उसमें पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब हम लोगों की राय तो आज की नहीं ना है, बराबर हम लोग कहते रहे, तो इस बार तो हम लोगों की इच्छा थी। पिछली बार वो लोग कर दिए, एक अलग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो ठीक नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं आया, तो एक बार अगर जाति आधारित जनगणना यानी जनगणना के साथ जाति की गणना के लिए कर देंगे तो तभी वो सही रूप में सामने आएगा। लेकिन BJP तो खुल करके इसमें समर्थन में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं, BJP के लोग तो बिल्कुल हम लोगों के साथ थे, आए ही थे, आज तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप, अपने पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए और अपने पर की तरफ से भी कहा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब पहले क्या कहा गया उसको भूल जाइए, अब नए सिरे से देख लेना चाहिए एक बार। एक अंतिम सवाल, आज केमिस्ट्री तेजस्वी यादव और आपकी बढ़िया दिखाई पड़ रही थी इस मुद्दे को लेकर के, और वो लोग भी जो समर्थन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसी तरीके से, नहीं तो जनहित में है ना, तो आपको बता ही ना, यूनैनिमस रिजोल्यूशन हम लोगों का रहा, एक विचार का, हम सब बात बता चुके हैं, इसलिए एक ही साथ ना आए हैं मिलने के लिए जी, तो इसलिए वो तो एक इस विषय पर है। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार ने साफ तरीके से ही कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी बेहतर मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है, लेकिन अब हम लोगों ने अपनी बातें रख दी है, अब ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके का निर्णय लेते हैं।
जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।